नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार के बाद सारा ठीकरा योगी पर फोड़ दिया गया। कुछ नेताओं की योगी के खिलाफ बयानबाजी और फिर केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली पहुंच जाना बता रहा था कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है, और ऐसा होने भी जा रहा है, क्योंकि यूपी में बीजेपी के नेता चाहते थे कि योगी माने कि उनकी वजह से हार हुई है, लेकिन योगी ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद अब यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब योगी केशव प्रसाद मौर्य पर बड़ा एक्शन लेंगे, और अब केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी जाने वाली है। यह सवाल इसलिए क्योंकि इस समय यूपी में बीजेपी के लिए सब कुछ सही नहीं चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में अनबन की खबरें आग की तरह फैल चुकी हैं। दोनों तरफ से कुछ ऐसी बयानबाजी हुई है जिसने साफ कर दिया है कि दोनों के रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि संगठन में कोई बड़ा बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी अटकलों के बीच अमित शाह पीएम मोदी से मिलने पहुंच गए हैं। वैसे तो इस मुलाकात को लेकर कोई डिटेल नहीं आई है, लेकिन जानकार मानते हैं कि यूपी की राजनीति को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी से एक एक घंटा मुलाकात कर सियासी पारे को और बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक घंटे से भी लंबी मुलाकात चली, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में हार की जिम्मेदारी ले ली है, जिसके बाद माना जा रहा है कि यूपी की राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि यूपी बीजेपी में अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। यूपी बीजेपी में तनातनी की खबरें तब तेज और हो गई जब कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने दो टूक कह दिया कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने हार के लिए ज्यादा आत्मविश्वास को जिम्मेदार बता दिया। उसके बाद से ही मौर्य और योगी की राहें अलग हो गईं, और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बड़े नेताओं से मिलने पहुंच गए, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी कई नेताओं से उपचुनाव को लेकर मिल रहे हैं, और अपनी टीम तक योगी ने बना ली है जिसमें केशव प्रसाद नहीं है, और दोनों ही तरफ से सियासी संदेश देने का काम हो रहा है। बस किसका मैसेज हाईकमान को ज्यादा समझ आता है, आगे की राजनीति इसी पर निर्भर करने वाली है। लेकिन फिलहाल हाईकमान ने इशारा दे दिया है कि असल में जेपी नड्डा के साथ मौर्य की एक घंटे की मुलाकात जो चली, उस मुलाकात के दौरान यूपी उपचुनाव को लेकर जो मंथन हुआ और 2027 को लेकर जो रणनीति बनी, उस पर तो काम किया जाएगा, लेकिन मौर्य को किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया, उन्हें भविष्य में कोई बड़ा पद दिया जाएगा अब तक ये बात नहीं कही गई, और यही केशव प्रसाद मौर्य की विफलता रही, जो ये बताने के लिए काफी है कि यूपी की राजनीति में और बीजेपी के लिए वर्तमान में योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। कहने को इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी ने बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दिया, लेकिन योगी समर्थकों ने नैरेटिव सेट करने में देरी नहीं लगाई कि योगी के पसंदीदा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। इसके ऊपर इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता आज भी ज्यादा है। एक जमाने में हिंदू युवा वाहिनी के जरिए योगी अपनी राजनीति किया करते थे। देखा जाता था कि अगर मठ के पसंदीदा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाता था, तो हिंदू युवा वाहिनी उससे ज्यादा तगड़ा उम्मीदवार उतारकर बीजेपी के समीकरण बिगाड़ देती थी। इसी वजह से तब ये बात कही जाने लगी थी कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। कहा तो ये भी जाता है कि पूर्वांचल में हिंदुत्व की राजनीति अगर बीजेपी को थोड़ा भी आगे ला पा रही है, तो उसमें योगी आदित्यनाथ की सक्रिय भूमिका है। कहने को योगी संघ से नहीं आते, बीजेपी में भी शुरुआत से नहीं रहे हैं, लेकिन कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा ने उन्हें ना सिर्फ अलग बनाया, बल्कि कहना चाहिए कि बीजेपी के लिए वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोगी योगी ही हैं। और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझती है। यही बहुत बड़ा कारण है कि केशव प्रसाद मौर्य की तमाम आपत्तियों के बाद भी अभी तक योगी के खिलाफ खुलकर हाईकमान की तरफ से कुछ क्यों नहीं बोला गया। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई एक्शन ना लेने का एक कारण यह भी समझ आता है कि पिछड़े समाज और ब्राह्मणों को बीजेपी किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकती। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल यह उठता है कि अब केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा? क्या उनके खिलाफ अब योगी कोई एक्शन लेंगे, या फिर केशव प्रसाद मौर्य को ही अब साइडलाइन कर दिया जाएगा? फिलहाल आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।